भारत के लिए एक अच्छी खबर निकल करके सामने आ रही है। S&P ग्लोबल रेटिंग ने भारत की सॉवरेन रेटिंग आउटलुक को स्टेबल से अब पॉजिटिव कर दिया है, जबकि मौजूदा रेटिंग को BBB निगेटिव पर बरकरार रखा है। S&P ने कहा है कि अगर भारत सतर्क राजकोषीय और मौद्रिक नीति अपनाता है, जिससे सरकार के बढ़े हुए कर्ज और ब्याज के बोझ में कमी आती है, तो वो अगले 2 साल में भारत की रेटिंग को बढ़ा सकती है। BBB निगेटिव सबसे निचली निवेश श्रेणी है। एजेंसी ने पिछली बार 2010 में रेटिंग प्रदेश को नकारात्मक से बढ़ा करके स्थिर कर दिया गया था। सर, S&P की रिपोर्ट में क्या कुछ डिटेल में कहा गया है और इसको समझा कैसे जाए, इसके मायने क्या है? ये महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। S&P ने भारत के आउटलुक को या नजरिए को इसको स्टेबल से पॉजिटिव किया है, जिसे आप इस दृष्टि से देख सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कोविड से उभरने के बाद जो स्थिरता के संकेत मिले हैं, उसे S&P जैसी ग्लोबल एजेंसी ने पहचाना है और उसे रेखांकित किया है। और आउटलुक की अगर ट्रेजेक्ट्री आप देखें तो आउटलुक की ट्रेजेक्ट्री को निगेटिव से स्टेबल और स्टेबल से पॉजिटिव की तरफ पहुंचा दिया गया है। इस पर भारतीय अर्थव्यवस्था को संतोष हो सकता है। लेकिन जो दूसरी बात S&P ने कही, वो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगती है। भारत तो पिछले एक दशक से अपनी रेटिंग को लेकर एजेंसियों को समझाने की कोशिश कर रहा है, S&P और मूडीज को, कि भारत की साख बढ़ाई जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे तेज दौड़ती अर्थव्यवस्था है, स्थिर सरकारें रही हैं, सारी चीज़ें, लेकिन भारत की साख बढ़ाने पर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को बिल्कुल भरोसा नहीं होता। और इसलिए जो टिप्पणी भारत की रेटिंग को लेकर की गई है इस रिपोर्ट में, उस पर गौर करना जरूरी है। आपको बता दें कि भारत की रेटिंग इस समय BBB- है, जो जंक से एक लेवल की ऊपर की रेटिंग, यानी सबसे निचले स्तर की रेटिंग है, इसके बाद फिर जंक की रेटिंग आती। S&P ने ये कहा है विपुल जी कि अगले 24 महीनों में भारत अगर अपने राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण करता है और सरकार का कर्ज कम करता है और ब्याज में कमी करता है, तो रेटिंग पर पुनर्विचार हो सकता है। 24 महीने यानी 2 साल, अगर आप इस टारगेट को माने तो फिर नई सरकार को जुलाई के बाद से लेकर अपने बजट के खर्च में बड़ी कटौती करनी होगी, कर्ज में स्थायी नियंत्रण करना होगा, और उसके बाद ही भारत की रेटिंग बेहतर हो पाएगी। भारत का कर्ज GDP के अनुपात में 100% से ज़्यादा हो गया है, ब्याज भुगतान केंद्र और राज्य सरकारों का रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। ऐसी स्थिति में जो डेट की प्रॉब्लम है भारतीय अर्थव्यवस्था में, जो कर्ज की प्रॉब्लम है, चाहे वो सरकार के स्तर पर हो या वो परिवारों के स्तर पर हो, वो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को परेशान कर रही है, क्योंकि भारत में बचत दरें, ये जो फिनेंशियल सेविंग्स हैं, वो पिछले 15-20 साल के न्यूनतम स्तर पर हैं। इसलिए ये साख सुधरने की गुंजाइश अभी नहीं दिखाई देती। 2 साल भारतीय अर्थव्यवस्था में जब तक खर्च में कटौती और कर्ज में कटौती नहीं होगी, S&P रेटिंग बढ़ाने वाली नहीं है। और ये बात S&P ने नई सरकार के आने से पहले स्पष्ट भी कर दी कि 2 साल तक हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, 2 साल बाद नतीजा लेकर आएंगे।